शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक डॉक्टर होने के नाते आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डॉक्टर रणबीर एक साइकेट्रिस्ट और उसके पेशेंट के बीच एक बहुत अजीब सा रिश्ता होता है। बंद कमरे में एक पेशेंट जो बातें अपने डॉक्टर से शेयर करता है वो बातें उसको क्योर करने के लिए यूज की जाती हैं, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। नुकसान तो वो करना चाहता है, मेरी बेटी का। मेरी बेटी को उससे बचाने के लिए मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं डॉक्टर, सब कुछ। देखिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री तो पूरी मैंने उस फाइल में लिख दी है। जहां तक उसकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, आपको उसकी मां से बात करनी चाहिए। मां? वो तो कह रहा था उसकी मां मर चुकी है। झूठ बोला होगा। उसकी मां ओल्ड पीपल्स होम में रहती है। मैं उसका पता आपको लिखकर देता हूं और उसे फोन में बात भी कर लेता हूं। I'm sure she can help you. सर, वो वहां पे सर। मिसेस त्रिवेदी, मैं डॉक्टर रणबीर, डॉक्टर रणबीर मल्होत्रा। देखिए, मैं बॉम्बे से सिर्फ आप ही से मिलने आया हूं, आपके बेटे आर्यन के बारे में। वो मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जब उसने मेरे पति का खून किया था। आप कहना चाह रही हैं कि देखिए, मैं उस हादसे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। देखिए, मैं आपको आपके अतीत में ले जाकर परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आपका अतीत मेरी बेटी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आर्यन, जिसे कि आपने क्या किया आर्यन ने, वो सब फिर से मत होने देना। फिर किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत होने देना। किसकी किसकी जिंदगी बर्बाद की उसने, किसके साथ किया उसने ऐसा? देखिए, अगर आप चुप रहेंगे तो मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाऊंगा। मेरी बेटी आर्यन के प्यार में बुरी तरह से फंसी हुई है। वो उसकी हर बात पर यकीन करती है, यहां तक कि जब मैंने उसे इस खून के बारे में बताया तो उसने उसे कोई झूठी कहानी सुना के बहला लिया। बिल्कुल, बल्कि उसने तो यह कहा कि मैं मर चुकी हूं। उसके पापा बहुत बुरे आदमी थे, दिन रात मुझे मारते थे, और एक दिन मेरी खातिर मजबूर होकर उसने उनकी जान ले ली। जी हाँ, यही कहा उसने। झूठ बोलता है वो। उसके पापा जैसा नेक आदमी तो पूरे शहर में नहीं था। लॉरेंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो। उसी कॉलेज में 12th क्लास में पढ़ता था वो। संजना नाम की एक टीचर थी वहां। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। शादी कर रही हो तुम? आर्यन, रास्ता छोड़ो। छोड़कर जा रही हो मुझे, हमेशा के लिए? आर्यन प्लीज। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। आर्यन देखो, मैं एक टीचर हूं और तुम स्टूडेंट,
और तुम्हें अपना मन पढ़ाई में लगाना चाहिए। लेकिन मेरा मन तो लग चुका है तुमसे। आर्यन हाथ छोड़ो, बिहेव योरसेल्फ, ये एक कॉलेज है। मैं किसी से नहीं डरता। आर्यन प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। पहले वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आर्यन छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, इधर आओ, ऐसे छोड़ दो उसे, इधर आओ। सुना नहीं तुमने? मैं कह रहा हूं इधर आओ। दुनिया की कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। बोला था ना कि तुम जाने की कोशिश मत करना, छोड़कर मत जाना। बोला था ना कि मुझे छोड़कर जाने की कोशिश मत करना। बोला था ना, पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। बोला था ना। अगर हमें किसी ने अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो तुम्हें क्यों ना हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता उससे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। आप परेशान मत होइए, वो लड़की यहाँ से चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आपसे मिले बिना कैसे जा सकती थी, इसलिए मिलने चली आई सर। सर सॉरी अंकल, अगर आज आप टाइम पर नहीं आते तो मैं तो। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटा कि मुझे जरा भी देर हो जाती तो मैं कॉलेज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। जाओ बेटा, शादी करो, अपना घर बसाओ और हमेशा खुश रहो। जाओ, बस बस बेटा। थैंक यू, जीते रहो बेटी। अदालत ने बच्चा समझ के छोड़ दिया, दुनिया ने पागल समझ के छोड़ दिया, और पागल खाने वालों ने ठीक समझ के छोड़ दिया। पर मेरे लिए वो कल भी एक खूनी था और आज भी एक खूनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी को उस खूनी की छाया से भी दूर ले जाइए। आप मुझे उस टीचर का पता दे सकते हैं?